नरेंद्र मोदी जी सुन लो, शिवराज चौहान सुन लो, ये हमारे आदिवासी भाई अनुसूचित जाति के भाई सभी वर्ग के भाई यहाँ बैठे हैं, तुम सुन लो। तुम भारत के संविधान को सिर्फ एक किताब मानते हो, एक किताब कि ये तो बाबा साहब ने लिख दी, एक छोटी मोटी किताब है। सुन लो मोदी, सुन लो शिवराज, तुम्हारे लिए एक किताब हो सकती है, हम जैसे लोगों के लिए ये संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, हमारे लिए गीता है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है। यदि इसके आ जाए तो शिवराज मोदी तुम्हारी ईद से ईद बजा देंगे, ये याद रख लेना। हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए दी थी ना, इससे 100 यूनिट 100 रुपए, अब 100 यूनिट फ्री देंगे और 200 यूनिट का आधा पैसा लेंगे। ये इस मंच से कमलनाथ जी की तरफ से बोलता हूं, भाजपा के पक्ष में फैसले कराने के लिए किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के जजों पे दबाव डालता था, फिर हम जैसे लोगों ने जब आवाज उठाई तो आज किरण रिजिजू को हटा दिया, ये हमारी पहली जीत है। नरेंद्र मोदी जी सुन लो, शिवराज चौहान सुन लो, ये हमारे आदिवासी भाई अनुसूचित जाति के भाई सभी वर्ग के भाई यहाँ बैठे हैं, तुम सुन लो। तुम भारत के संविधान को सिर्फ एक किताब मानते हो, एक किताब कि ये तो बाबा साहब ने लिख दी, एक छोटी मोटी किताब है। सुन लो मोदी, सुन लो शिवराज, तुम्हारे लिए एक किताब हो सकती है, हम जैसे लोगों के लिए ये संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, हमारे लिए गीता है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है। यदि इसके आ जाए तो शिवराज मोदी तुम्हारी ईद से ईद बजा देंगे, ये याद रख लेना। हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए दी थी ना, इससे 100 यूनिट 100 रुपए, अब 100 यूनिट फ्री देंगे और 200 यूनिट का आधा पैसा लेंगे, ये इस मंच से कमलनाथ जी की तरफ से बोलता हूं। भाजपा के पक्ष में फैसले कराने के लिए किरण रिजिजू सुप्रीम कोर्ट के जजों पे दबाव डालता था, फिर हम जैसे लोगों ने जब आवाज उठाई तो आज किरण रिजिजू को हटा दिया, ये हमारी पहली जीत है।